मुंबई घूमने आना चाहते हो और बस 2 से 3 दिन है आपके पास, तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं सना खान। इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाली हूं 3 दिन की आइटिनरी। तो चलिए day 1 हम अपना स्टार्ट करते हैं। चाहे आप फ्लाइट से आए हो या ट्रेन से, ट्रैवलिंग के बाद हर कोई थक जाता है। day 1 को है ना थोड़ा सा हम लोग इजी रखेंगे एंड आई वुड सजेस्ट कि आप सबसे पहले वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बीचेस इन मुंबई जुहू बीच देखा हो, वहां जाके आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए और मुंबई की पॉपुलेशन का अंदाजा लीजिए। वहां पर आप चाट एंजॉय कर सकते हो। बाय द वे, इस जगह के ऊपर अप्रोक्सीमेटली पर पर्सन का कितना कॉस्ट आएगा वो मैंने स्क्रीन के ऊपर लिख दिया है, तो वो साथ साथ देखते जाइएगा, आपको अपनी कॉस्टिंग का भी अंदाजा हो जाएगा। जुहू बीच पे आप चाट खा सकते हो एंड यहाँ पे कौन कौन से स्टॉल्स है एंड उनका क्या क्या प्राइजेस है वो सब कुछ मैंने एक सेपरेट वीडियो के अंदर बनाया हुआ है। अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वैसे अगर आपको चाट वगैरह नहीं खानी है और पैसे थोड़े ज्यादा है तो जुहू बीच के आस पास ही लिटरली 30 सेकेंड्स की वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, वेज एंड नॉन वेज दोनों, इंक्लूडिंग 5-स्टार होटल JW Marriott। इसके बाद आप मुंबई का सबसे कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ले सकते हो, वो है ऑटो रिक्शा। अगर आप फर्स्ट टाइम मुंबई आए हो ना तो सबसे पहले घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑटो वाले के साथ में आपको बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे सबके सब ऑटो रिक्शा मीटर से चलती है। आप जुहू से सीधा लोखंड वाला मार्केट जा सकते हो जिसमें आपको 15 से 20 मिनट, 30 मिनट या 40 मिनट भी लग सकते हैं। कम ऑन, इट ऑल डिपेंड्स कि भाई कितना ज्यादा ट्रैफिक है। मुंबई का ट्रैफिक है मैं कुछ नहीं कह सकती। ओके, अगर आप रात में 8-9 बजे के बाद निकलोगे ना, जब ऑफिस का क्राउड बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तब आई गेस आप 15 से 20 मिनट में पहुंच सकते हो। बट अगर आप 6 बजे 7 बजे ऐसे जाते हो तो देखो कब पहुंचते हो। जुहू से निकलते वक्त ही आपको दिख जाएगा अमिताभ बच्चन का बंगला। जी हाँ, आई वुड रिकमेंड कि आप चलती हुई ऑटो से ही उस बंगले को देख लो। बट अगर आप ज्यादा बड़े फैन हो तो हाँ, ऑटो रिक्शा को रिक्वेस्ट करके थोड़ा टाइम साइड पे लगा लीजिएगा एंड बंगले के साथ या उनके वॉचमैन के साथ एक फोटोग्राफ निकाल लेना। ऑनेस्टली जितने मुंबई के लोकल्स होते हैं वो इस चीज को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज जो बंगला है ना वो बिल्कुल ऐसे टर्निंग के ऊपर ही है सिग्नल के पास, सो वहाँ बहुत ज्यादा क्राउड जमा हो जाता है एंड ट्रैफिक भी लग जाता है। सो ये एक्टिविटी मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप चलती हुई ऑटो से देखना चाहते हो या साइड पे लगा के वहाँ पे पिक्चर्स निकालना चाहते हो। इसके बाद आप लोखंड वाला मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हो, जहाँ आपको कुछ टीवी सेलिब्रिटीज भी देखने के लिए मिल जाएंगे अगर आप उन्हें पहचान सको तो। वैसे यहाँ पे एक बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट है फूड इन, जो कि तकरीबन 25-30 सालों से तो है ही। सो आपको इसी लेन के अंदर बहुत सारी खाने पीने की शॉपिंग की आइटम्स मिल जाएगी एंड यहाँ पे आप अपनी शाम बहुत ही इजीली गुजार सकते हो। इसके बाद अगर फर्स्ट डे पे ही आप पे थोड़ी ज्यादा ताकत बची है ना, सो आई वुड रिकमेंड कि आप चले जाओ फन रिपब्लिक। ये एक मूवी थिएटर है। नहीं, आपको मूवी देखने के लिए नहीं जाना है। इसी लेन में यानी इसी गली में आपको टी सीरीज, धर्मा एंड बहुत सारे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के गेट देखने के लिए मिल जाएंगे। आई मीन ऑब्वियसली आपको अंदर तो जाने के लिए देंगे नहीं ना। सो बाहर से ही इन जगहों को देख देख के आप खुश हो सकते हो अगर आप एक बॉलीवुड फैन हो तो। बाय द वे, लेफ्ट में सबके सब गेट्स आते हैं, बट अगर आपको बॉलीवुड से कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, तो आप उसके राइट में देखिएगा, आपको बहुत सारे खाने पीने के स्टॉल्स मिल जाएंगे। यस, यहाँ आपको बहुत सारे स्ट्रीट फूड मिलने वाला है, इंक्लूडिंग दाल चावल, आलू पराठा, इवन नॉर्मली चिकन का सालन, कुलचे, जो कुछ आपको खाना है ना आपको यहाँ ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाता है। एंड हाँ, पानी पूरी भी। वैसे मैंने यहाँ की पानी पूरी नहीं खाई है, बट मैंने यहाँ का दाल चावल खाया जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा था। इसके बाद जहाँ पे भी आपका मुंबई के अंदर स्टे है, आप वापस वहाँ पे जाइए ताकि आप सेकेंड डे के लिए अपनी बैटरी को रिचार्ज कर सको। वैसे अगर आपको मुंबई के अंदर रहने के लिए कोई सस्ती सुंदर जगह चाहिए ना, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। सो day 2 की शुरुआत करते हैं हम मरीन ड्राइव से। मरीन ड्राइव पे आप पहुंच सकते हो सुबह के 6 या 7 बजे या 8 बजे या 9 बजे, डिपेंड्स ऑन यू। मतलब जब कभी आपको जाना है सुबह सुबह उठ के वहां चले जाओ। यार घूमने आए हो, स्कूल थोड़ी है कि टाइम पे ही हर जगह आपको पहुंचना है। जब जाना है तब जाओ, नहीं जाना है मत जाओ। बाय द वे, अगर आप मरीन ड्राइव पे संडे को पहुंचते हो ना मॉर्निंग में, तो आपको यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज देखने के लिए मिलेगी, इंक्लूडिंग डांसिंग, सिंगिंग। इनफैक्ट मुंबई पुलिस वहाँ सुबह सुबह एक परफॉर्मेंस भी देती है, बट ऑब्वियसली उसके लिए सुबह 6 बजे ही आपको पहुंचना पड़ेगा। वैसे ये एक्टिविटीज स्टार्ट हुई थी कोविड में एंड अब तक तो कंटिन्यू है। सो अगर आप स्पेशली एक्टिविटीज के लिए जाना चाहते हो तो एक मरतबा चेक कर लेना कि अभी भी है या नहीं। मैं कुछ 2 महीने पहले ही गई थी, आप उसकी वीडियो स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख सकते हो। सो या अगर आपको भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करना है तो प्लीज जाइए मरीन ड्राइव सुबह सुबह। बाय द वे, मरीन ड्राइव से सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है चर्च गेट। सो आप चर्च गेट के ऊपर उतर के इजीली यहाँ पे पहुंच सकते हो। वॉकिंग डिस्टेंस मुश्किल से 5 से 7 मिनट का ही है। मैं। मैं।
बेचा हमें अपना वीडियो रिकॉर्ड करने दिया जाए। हाँ, सो मैं ये कह रही थी कि जो मरीन ड्राइव है वो चर्च के स्टेशन से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, बट अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हो तो काली पीली टैक्सी को हाथ दिखाने में कैसी शर्म। वैसे मरीन ड्राइव से वॉक करते हुए आप पहुंच सकते हो मेट्रो कैफे, जो कि मेट्रो सिनेमा के बिल्कुल बगल में है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो मस्का पाओ, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो कीमा पाओ, आपको यहाँ सबके सब ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये एक ईरानी कैफे है तो यहाँ की चाय पीना मत भूलिएगा। मस्त यहाँ पे चाय पीजिए एंड निकल पड़िए पेंगुइन्स देखने। यस, मुंबई आए और पेंगुइन्स नहीं देखा तो क्या ही मुंबई आए। जी हाँ, अगर मुंबई आए हो तो जू जाना मत भूलना, और पेंगुइन्स जो कि यहाँ का मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शंस बन चुके हैं उन्हें देखना मत भूलना, एंड मेरा हेलो याद से कह देना। जू का वीडियो लिंक नहीं, जू का कोई वीडियो लिंक नहीं है मेरे पास, बिकॉज मैं खुद अब तक पेंगुइन से जाके नहीं मिली हूँ। वैसे मैं बहुत जल्द वहाँ पे जाने वाली हूँ। अगर वो वाला वीडियो भी मैंने बना लिया तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के दे दूंगी। अगर आप ये वीडियो शायद 2 या 3 महीने के बाद देख रहे हो तो नीचे उसका लिंक आपको मिल जाएगा। सी, जो वीडियो नहीं बनी है मैं एडवांस के अंदर उसका भी प्लग इन कर रही हूँ। क्या ही बात है। ओके ओके ओके, सीरियस सीरियस सीरियस, हमें इंफॉर्मेटिव वीडियो बनानी है, इंफॉर्मेटिव। ओके, नो मस्ती, थोड़ी थोड़ी मस्ती इज ओके, नॉट वेरी मच मस्ती। ओके, हाउ मच? वेरी मच। वो वाला मीम देखा है? किसी दिन ना ऐसा लाइव करना चाहिए मेरे को जहाँ मैं ऐसे आपसे बातचीत कर सकूँ। आओगे मैं किसी दिन इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे किसी दिन लाइव वाइव कर देंगे। और कौन सा पॉइंट लिखा था मैंने, मैं खुद ही भूल गई। हाँ, वैसे आप जू के अलावा ना तारापुरा वाला एक्वेरियम भी जा सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत सारी फिशेस देखने के लिए मिलेगी। बट अगर आपको मच्छी घर देखने का ज्यादा शौक नहीं है तो आप नेहरू साइंस सेंटर भी जा सकते हो। आई नो बहुत सारे लोगों को साइंस से कोई लेना देना नहीं है, बट इस साइंस सेंटर के पास ही ना नेहरू प्लैनेटेरियम भी है भाई। वहाँ पे ना आपको स्पेस से रिलेटेड आपको सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। आई नो आप बोलोगे नहीं मुझे स्पेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मुझे साइंस में कोई इंटरेस्ट है। ना, आई एम टेलिंग यू, एक मरतबा है ना यहाँ पे जो एक डोम है, ठीक है, वहाँ जाके आई थिंक कुछ मूवी चलेगी 40 मिनट्स के लिए, ऐसा कुछ टाइम है इसका भाई, जाके देख आना। इसकी टिकट भी आएगी कुछ 250 रुपये है। थोड़ा आपको शायद एक्सपेंसिव लगेगा, बट अगर आप बच्चों के साथ में आए हो तो बिल्कुल चले जाना, या अगर आप मेरे जैसे हो जो कि बड़े हो बट थोड़े से तो भाई जाके आना। मतलब मैं तो कहती हूँ मेरी तरफ से जाके वो वाली मूवी देख के आओ। मतलब एक है ना, मुझे याद नहीं, मैं बहुत साल पहले वहाँ पे गई हुई थी, बट ऐसे जो डोम है ना उसके अंदर ऐसे साइड से ऐसे पूरा गैलेक्सी दिख रहा था, एंड मुझे ऐसे लगा कि भाई क्या है, मतलब कुछ भी नहीं है, सब बच्चों की मुझे आवाज़ आई। ओ आई वाज लाइक भाई क्या हुआ, क्या हो, कुछ भी तो नहीं है। एंड यहाँ से ना ऐसे ड्रैगन आता हुआ मुझे दिखाई दिया, आई वाज लाइक ओ माय गॉड दिस इज समथिंग। मतलब वो एक्सपीरियंस ही अलग होता है। आई होप कि अभी इतने सालों बाद शायद इन लोगों ने कुछ ज़्यादा बेटर कर दिया होगा, बट अगर नहीं भी बेटर किया है ना तो ट्रस्ट मी, जो मैंने इतने सालों पहले देखा था ना, अगर कुछ अपग्रेड नहीं भी हुआ है तब भी वही जाके देखना वर्थेड है, तो जाके आना एक मरतबा। वैसे ये जू, नेहरू साइंस सेंटर, डोम, ये सब कुछ करने के बाद ना आपको बहुत ज़ोर से भूख लगने वाली है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप चले जाओ भिंडी बाजार। आपने कल देखा था ओशी वाला, लोखंड वाला, वो सब इलाके, बट आज आप देखोगे मुंबई का एक बहुत ही ऑपोजिट साइड, एंड वो है भिंडी बाजार। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी ब्रिटिश की पुरानी 100-200 साल पुरानी बिल्डिंग्स। वैसे यहाँ पे बहुत सारे पॉपुलर रेस्टोरेंट्स है, शालीमार, नूर मोहम्मदी, बड़े मियाँ, इन सब रेस्टोरेंट्स के ऊपर खाना मत खाना। मतलब आई नो हम सब बचपन से ही यहाँ पे जाके खाना वाना खाते थे, बट अनफॉर्चुनेटली अब इन सब का क्वालिटी बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया है, एंड प्राइजेस माशाल्लाह हो गए हैं। सो इट्स बेटर कि आप किसी अननोन रेस्टोरेंट के अंदर ना ऐसे ही चले जाओ, अपना जाके नसीब आजमाओ। बट जहाँ तक खाने की बात है, इस जगह के ऊपर ना लोग दूर दूर से खाना खाने के लिए आते हैं, सो आपको खाना यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मिल जाएगा। बस ये कोई नामचीन जो रेस्टोरेंट्स है ना वहाँ पे जाके अपने पैसे मत फूकाना। अगर फॉर इंस्टेंस अगर मैं 200 रुपये के अंदर अगर मैं कहीं पे बैठ के खाना खा सकती हूँ, तो सेम चीज़ के लिए मैं 500 या 600 रुपये क्यों दूँ? अगर क्वालिटी सेम है, अगर टेस्ट ऑलमोस्ट सेम है, तो आई डोंट नो, मुझे ज़्यादा पैसे नहीं देने हैं सेम क्वालिटी ऑफ फूड के लिए। इनफैक्ट क्वालिटी तो खैर ड्रॉप हुई है, जो क्वांटिटी है ना वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। वैसे मैं खुद बहुत जल्दी भिंडी बाजार विजिट करने वाली हूँ, एंड वहाँ के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स कवर करूँगी, एंड खुद साक्षात आपको बताऊँगी कि आपको कौन से वाले रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहिए एंड कौन से वाले में नहीं। पर मैंने कहा आप चले गए, आपको पसंद नहीं आए तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। वैसे यहाँ से होते हुए आप कोलाबा मार्केट जा सकते हो, अगर आप में अब भी थोड़ी ताकत बची हो तो। अब मस्त जाके सो जाओ, हम मिलते हैं डे 3 पे। डे नंबर 3, ये होने वाला है आपका लास्ट डे इन मुंबई। आप सुबह सुबह गेटवे ऑफ इंडिया, ताजमहल पैलेस,
ये सब कुछ देख के आओ। वहां जाके कुछ अच्छी फोटोज वगैरह निकाल लेना, आपको याद रहेगा कि आप मुंबई आए थे। बट अगर ये सब जगह आप ऑलरेडी देख चुके हो तो मैं चाहूंगी कि आप मुंबई का एक नया साइड एक्सप्लोर कीजिए, जो कि ज्यादातर लोग अपनी आइटिनरीज के अंदर नहीं बताते हैं। बट जब भी कोई विलेजेस से या कोई स्मॉल टाउन से आता है ना, उन्हें इन जगहों पे जाने का बड़ा शौक होता है, उन्हें बहुत ज्यादा मजा आता है। सो दिस इज समथिंग न्यू टू एक्सप्लोर। ओके, सबसे पहले आप पहुंचो अंधेरी स्टेशन पे, अंधेरी रेलवे स्टेशन पे, एंड यहाँ से आप लो अंधेरी से मेट्रो, मेट्रो से आप पहुँच जाओ मलाड़। मलाड़ एक जगह का नाम है, इसमें अलग अलग है, लोअर मलाड़, अपर मलाड़, मेट्रो स्टेशन के नाम बता रही हूँ। तो अपर मलाड़ के अंदर आपको मिलेगा इन्फिनिटी मॉल। लिटरली जैसे ही ऐसे रुकेगी ना मेट्रो, उसके बिल्कुल सामने आपको दिख जाएगा इन्फिनिटी 2। वहाँ आप उतर जाओ, वहाँ आपको मिलेगी खाऊ गली, थोड़ा आपका मॉल एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर आप किसी मेट्रो सिटी से नहीं हो, सो आई एम डैम श्योर कि आप इंजॉय करने वाले हो मॉल का एक्सपीरियंस। इसके बाद मॉल के पास ही है सब टीवी का ऑफिस, अगर आपको वो देखने का शौक हो तो आप वो भी देख सकते हो। आई नो कुछ लोग बोलेंगे कि मॉल घूमना, बिजनेस सेंटर देखना, ये सब कुछ कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन थोड़ी ना है। बहुत सारे लोग छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे गांव से आते हैं, उन्हें बस जुहू चौपाटी नहीं देखने जाना होता है, उन्हें मुंबई का लाइफस्टाइल भी देखना होता है। तो अगर आपको ये सब चीजें लुभाती है तो किसी से शर्माने की जरूरत नहीं है। मस्त मेट्रो में बैठो, मॉल के पास उतरो, गेमिंग जोन में जाओ, मॉल से बाहर निकलो, बिजनेस एरिया को चलते चलते देखते हुए जाओ, और हर बिल्डिंग के नीचे फूड स्टॉल्स लगे हैं, वहां से आप स्ट्रीट फूड को एंजॉय करते करते चलो। अगर आप मलाड में बोर होने लगो और आपको टेलीविजन या बॉलीवुड से मोहब्बत है, तो आपके लिए फिल्म सिटी है। मलाड से फिल्म सिटी, जो कि गोएगांव के लोकेटेड है, वो तकरीबन 20 मिनट्स के डिस्टेंस के ऊपर ही है। आप अगेन मेट्रो लेके भी वापस गोएगांव आ सकते हो, बट उससे बेटर है कि आप वहां से एक ऑटो रिक्शा ले लो एंड डायरेक्टली पहुंच जाओ फिल्म सिटी। बाय द वे, अगर आप फिल्म सिटी के अंदर जाना चाहते हो तो आपको एडवांस में यहाँ की टिकट्स लेनी पड़ेगी, जो कि 600 से 1700 के बीच के यहाँ के पैकेजेस होते हैं। सो इसको आप एडवांस में ऑनलाइन पहले बुक कर लीजिएगा एंड देन बाद में यहाँ पे जाइएगा। ऑनेस्टली मैं खुद कभी फिल्म सिटी नहीं गई हूँ, बट अगर आप चाहते हो कि मैं वहां जाके एक डिटेल के अंदर वीडियो बना लूं, तो बिल्कुल मुझे इनसे कमेंट्स के अंदर लिख के बताइएगा, मैं स्पेशली आपके लिए वहां पे जाऊंगी। बट मैंने जितने लोगों से अब तक सुना है, फिल्म सिटी घूमने में जो भी टेलीविजन वगैरह के फैन होते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा मजा आता है। वैसे मुंबई में 3 दिन में आप कहाँ कहाँ खाना खा सकते हो और कितना मिनिमम आपका बजट होगा, वो वीडियो भी जल्दी आने वाली है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। बस आपके 3 दिन यहीं पे खत्म होते हैं। कोशिश की है कि आपको एक प्रैक्टिकल गाइड बताऊं, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम मुंबई आते हैं उनके लिए। बाय द वे, ये सारी की सारी वो जगह है कि एज अ सोलो फीमेल ट्रैवलर भी आप यहाँ पे जा सकते हो, कोई भी इशू नहीं होगा। बट अगर कुछ हुआ भी तो मुंबई पुलिस जिंदाबाद है। सो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लो चली मैं।